हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 8 और इसके अंदर हम लेटेस्ट MIUI 12.5 का चाइना बीटा वर्जन Xiaomi EUROM यूज करेंगे। रोम पहले से काफी स्मूथ हुआ है और काफी चीजें जो है परफेक्टली काम कर रही हैं, एनिमेशंस काफी स्मूथ हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी रोम के बारे में बात करने वाले हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको अपने फोन में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका वर्जन जो है एक बार चेक करवा देता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑल स्पेक्स के अंदर ये है MIUI 12.5 का 21.5.12 बीटा वर्जन देखने को मिला है आपको। ये ऑल स्पेक्स की बात करें तो आपको सिक्योरिटी पैच जो है इसके अंदर जो है मार्च का ही देखने को मिला है, बट एंड्रॉइड 11 के साथ आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। अगर फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा जो है आपको नए यूआई के साथ जो है जरूर यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पे टैब्स या क्विक टॉगल्स को यूज करते हैं। अगर गैलरी की बात की जाए तो गैलरी जो है फुल्ली अपडेटेड है, काफी सारे नए फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। अगर आप रिकमेंडेड में जाएं तो आपको मैजिक आईडी आर्ट और वीडियो इफेक्ट्स जैसे काफी नए फिल्टर्स को यहाँ पे आपके साथ शेयर किया गया है। जैसे कि मैजिक में आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से ये फिल्टर काम करता है। मैजिक में आप जाएंगे, किसी भी फोटो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है आप उसका बैकग्राउंड को जो है कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप कोई ऐसी पिक्चर क्लिक करते हैं जिसमें कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, या फिर आप उसका जो है बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो इस टूल के थ्रू जो है आप उसके बैकग्राउंड को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। एक तरीके का नया लुक जो है अपनी फोटोग्राफ में आप दे सकते हैं। सिर्फ आपको जो है फोटोग्राफ को जो है इस टूल के साथ ओपन करना है और उसके बाद जो है ये टूल जो है परफेक्टली आपके फ़ोन पे काम करेगा। तो ये देखिए, जैसे जो है फोटो जो है ओपन हो गई है, आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई भी बैकग्राउंड जो है आपको यहाँ पर जो फिल्टर्स दे रखे हैं उनके थ्रू जो है इसके बैकग्राउंड को कम्प्लीटली आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब नई चीज़ें जो है आपको यहाँ पे गैलरी के अंदर दी गई। काफ़ी सारे फिल्टर्स आपको दिए हैं, काफ़ी सारे नए टूल्स दिए हैं जिनके थ्रू जो है आप अपनी फोटोग्राफ्स को फुल्ली मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन जो काफ़ी सारे आपको जो फिल्टर्स पहले भी आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलते थे, स्काई फिल्टर्स वगैरह, उनके अंदर भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और काफ़ी सारे नए टूल्स जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। जैसे डूडल टेक्स्ट वगैरह, इनके अंदर भी काफ़ी नई मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिले हैं। स्काई मोड्स पर जाएं तो स्काई मोड पर भी आपको काफ़ी सारे नए फिल्टर्स जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं डायनेमिक फिल्टर के थ्रू, जिसमें आप एक एनिमेशन इफेक्ट जो है अपनी फोटोग्राफ के अंदर आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके का, जिसमें आप जो है थोड़ी सी साउंड और अपने क्लाउड्स वगैरह को मूव आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये फिल्टर्स भी जो है आपको यहाँ पर इसके अंदर अपने फ़ोन के अंदर देखने को मिलते हैं। यही नहीं, अगर हमने वीडियो टूल बॉक्स को भी यहाँ पे इसके अंदर लॉन्च कर रखा है, ये देखिए तो वीडियो टूल बॉक्स आपको यहाँ मिल जाता है, जहाँ से आप फ्लोटिंग विंडोज़ के थ्रू जो है किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो है गूगल प्ले स्टोर को इसके अंदर लॉन्च कर रखा है। इस रोम में आपको गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिवाइस जो है हमारा सर्टिफाइड है कि नहीं है। ये देखिए अबाउट फोन के अंदर डिवाइस इज सर्टिफाइड, बैंकिंग एप्लीकेशंस को रन करने में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यहाँ पे ऐप ड्रॉअर देखने को मिल जाता है जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। थीम स्टोर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप इसके अंदर वॉलपेपर, डायनामिक वॉलपेपर्स, इसके अंदर रिंग टोन्स और भी काफ़ी सारे आइकन्स और फॉन्ट्स पैक को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। माई अकाउंट में आप थीम कंपोनेंट्स में जाके अपनी लॉक स्टाइल, बूट एनिमेशन, डायल पैड, इन सब को भी आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। कंट्रोल सेंटर भी आपको लेटेस्ट मिला है, जिसके अंदर आप हेल्थ के स्टेप्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, या फिर डाटा वगैरह, इन सबको आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। यही नहीं, कंट्रोल सेंटर में आपको एक और नया अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है कि अब जो ब्राइटनेस का स्लाइडर है वो नीचे जो है एक तरीके से पिन हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे वो यहाँ पे पिन होता है, जिससे आप इसको इजीली यहाँ से एक्सेस कर पाते। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे MIUI 12.5 मिली। सेटिंग्स पैनल की बात की जाए तो सेटिंग्स पैनल में जैसे कि आप लोगों को पता है MIUI 12.5 के अंदर आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिला है, जहाँ से आप इसके फॉन्ट्स, आइकन पैक्स, इनको चेंज करते हैं। आपको सुपर वॉलपेपर्स मिले हैं, सभी के सभी लेटेस्ट 6 जो सुपर वॉलपेपर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये देख पा रहे होंगे आपको सभी के सभी जो नए 6 वॉलपेपर्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं MIUI 12.5 के अंदर, वो आपको देखने को मिले हैं। नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, देख पा रहे होंगे रिंगटोन का पूरा लेआउट जो है चेंज कर दिया है, नए तरीके का आपको लेआउट मिलता है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ टोन्स मिल जाते हैं बर्ड्स वगैरह के, इन सबके। उसी तरीके से आर्कटिक के भी कुछ आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। आपको नेचर मिक्स का भी मिल जाता है, जिसमें आप इनको मिक्स कर सकते हैं और उस तरीके के टोन्स भी आप अपने फ़ोन पे रैंडमली पा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी आपको इसके अंदर यहाँ पे आपके वॉलपेपर सेक्शन में आपको देखने को मिली है। लॉक स्क्रीन के सेक्शन में की बात करें तो उसमें आपको ग्लैंस फॉर्म में, फिर लॉक स्क्रीन फॉर्मेट, या फिर चार्जिंग एनिमेशन के कुछ ऑप्शन यहाँ पे इसके अंदर दिए हैं। उसके बाद अगर हम डिस्प्ले में जाते हैं तो डिस्प्ले में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डिस्प्ले में अगर आप जाएं तो आपको डार्क मोड मिल जाता है। फॉन्ट सेटिंग्स में आप इसके फॉन्ट को कम ज़्यादा या उसमें एक बोल्ड इफेक्ट आप दे सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको इसके अंदर दी गई हैं। आपको साथ ही साथ साउंड एंड वाइब्रेशन आप देख चुके हैं। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में आप नया कंट्रोल सेंटर या पुराने कंट्रोल सेंटर को स्विच कर सकते हैं। आपको स्टेटस बार में आपको बैटरी इंडिकेटर वगैरह वो सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है जो होम स्क्रीन का जो लॉन्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है, पहले से काफ़ी बेटर तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें आपको जेस्चर्स और बटन्स का दोनों का ही सपोर्ट मिल जाता है। नीचे पिल के बटन पर आप टैप करते हैं, फ्लाइट
लास्ट एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती है। तो ये चीज़ ऑप्शन मिल जाती है आपको। आप सर्च बार प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं कि आपको जो है गूगल सर्च को यूज़ करना है या Xiaomi EU के जो रोम होता है उसके सर्च को यूज़ करना है, वो ऑप्शन मिल जाते हैं। आइकन पैक आप चेंज कर सकते हैं, अरेंज आइटम्स इन रिसेंट उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो आप करना चाहें उसको आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिली है। पासवर्ड में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट परफेक्टली काम कर रहा है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको नया मिला है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन, आपकी माइक्रोफोन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके स्टोरेज से कौन कौन से एप्लीकेशन एक्सेस कर रही हैं। प्रोटेक्शन में आपको और भी काफ़ी सारे नए फीचर्स जो हैं प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं। अगर बैटरी पैनल की बात करें तो बैटरी पैनल भी लेटेस्ट ही आपको मिला है इसके अंदर। ऐप्स के अंदर आप जाएं तो मैनेज ऐप्स, ट्यूल ऐप्स, वही आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में वही पासवर्ड, स्क्रीनशॉट्स, बटन शॉर्टकट्स, एलईडी लाइट के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। स्क्रीन टाइम, डिजिटल वेलबींग आपको लेटेस्ट विद फोकस मोड जो है इसके अंदर देखने को मिला है। जैसा कि आप देख पा रहे हो नए UI के साथ फोकस मोड भी आपको यहाँ पे इसके अंदर दिया गया जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। कोई लैग अभी तक मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला। हाँ, इन केस अगर आप सुपर वॉलपेपर्स यूज़ करते हैं अपने Redmi Note 8 फोन के अंदर देन ज़रूर आपको जो है वहाँ पे लैग ज़रूर देखने को आपको मिलेगा। स्पेशल फीचर्स में वही वीडियो टूल बॉक्स, गेम टर्बो मोड मिल जाता है जिसमें आपको वॉइस चेंजर यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये सभी फीचर्स जो है आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई भी ब्लॉटवेयर आपको देखने को नहीं मिला है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपको जो है एक zip फाइल को डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जहां से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ये वो फाइल है जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2.79 GB की। उसके बाद जो है आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे और अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे। पावर मेनू अभी आपको पुराना ही यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिला है Redmi Note 8 के यूजर्स के लिए। तो जैसे ही आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है आपको अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करना है। तो उसके लिए वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे। आप TWRP, पिच ब्लैक या ऑरेंज फॉक्स की कोई भी कस्टम रिकवरी को आप यूज़ कर सकते हैं। हम अपने फ़ोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स को यूज़ कर रहे हैं तो मैं उसके थ्रू जो है आपको फ्लैश करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमारा फ़ोन जो है ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी में बूट कर चुका है। तो डाटा का बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा अपने फ़ोन का क्योंकि आपका डाटा जो है इसमें डिलीट होने वाला है। तो जैसे ही आप ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी के ऊपर आते हैं सबसे पहले जो है आपने कुछ पार्टीशंस को वाइप करना है। तो उसके लिए आप वाइप पे जाएंगे, डाल्विक कैश, कैश सिस्टम, वेंडर डाटा, इन पार्टीशन को सिलेक्ट करके आप एक बार वाइप कर देंगे। जैसे ये सारे पार्टीशन जो है आपके फ़ोन पे वाइप हो जाते हैं उसके बाद सिंपली जो है आपने EU का रोम जो है उसको सिलेक्ट करना है और उसको अपने फ़ोन में फ्लैश करना है। ये नियर अबाउट 1 to 2 मिनट लेगा तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये हमारे फ़ोन में कम्प्लीटली जो है फ्लैश हो सके। तो ये देखिए फाइनली रोम जो है इंस्टॉल हो गया है। वापस मेनू पे जाएंगे, एक बार मैनेज पार्टीशंस डाटा को सिलेक्ट करके फॉर्मेट डाटा कर देंगे और यहाँ यस लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो अब जो है फॉर्मेट डाटा हमारा हो चुका होगा, इसीलिए मैंने आपको कहा था बैकअप ले लीजिए कि आपका डाटा सारा डिलीट होने वाला है। अब आप रिबूट सिस्टम कर देंगे, इसके बाद भी 12.5 जो है आपके फ़ोन पे सेटअप पे जाएगा। आप सेटअप करेंगे और Redmi Note 8 के अंदर MIUI 12.5 के फीचर्स को एंजॉय करेंगे। इस टाइम पे काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिले हैं बट ये Xiaomi EU का रोम है जिसको आप कस्टम रिकवरी के थ्रू ही फ्लैश कर सकते हैं। कुछ फीचर्स मिसिंग हैं जैसे आपको नया पावर बटन नहीं मिला है, कैमरे के अंदर काफ़ी सारे नए ऑप्शंस मिसिंग है, वो मुझे लगता है कि वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे Redmi Note 8 के यूजर्स को। बट गैलरी के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको ऑप्टिमाइज़ की गई हैं, वॉलपेपर्स में काफ़ी नई चीज़ें आपको देखने को मिली हैं और काफ़ी सारे नए सेटिंग्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।